नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 31 मार्च से 14 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इन दो वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से संबंधित थे। तो वो किससे संबंधित थे? तो मुरारी लाल थे एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद मुरारी लाल का हाल ही में निधन हो गया है और वह चमोली पपड़ियाना गांव के निवासी थे। तो ये चमोली पपड़ियाना गांव के निवासी थे और मुरारी लाल ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है और उनकी चिपको आंदोलन में भी अहम भूमिका रही। वह चिपको आंदोलन की मात्र संस्था दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे और इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू है, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो मानसखंड जो गलियारा यात्रा है तो इसे पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो पर्यटन विभाग उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू करने जा रहा है। तो उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू कर रहा है। दोस्तों जो ये उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आप सब मिल जाएंगे आपको हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जो वीकली करंट अफेयर की हमारी जो ये वीडियो आती है, तो इसमें हम पहले दो तीन जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं उत्तराखंड के, जितने भी इस वीक में उत्तराखंड के जो भी करंट अफेयर बनते हैं, और उसके बाद जो और क्वेश्चन होते हैं वो हम पूरे इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल सभी करंट अफेयर को वहां पर लेके आते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करंट अफेयर उत्तराखंड की है कि नहीं है। तो पहले, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, उसमें जो भी करंट अफेयर बनते हैं वो शुरुआत में हम देते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बार दो ही क्वेश्चन उत्तराखंड के थे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, फिक्की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जयश्री दास वर्मा को उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को दो डोरनियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये किसको सौंपे हैं? गुयाना को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को दो डोरनियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन संकल्प है, तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प, तो भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने को मंजूरी दी है? तो इसमें 18, तो 18 नई साइटों को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में 18 नई साइटें जुड़ने से जियो पार्क की कुल संख्या 213 हो गई है और जियो पार्क दुनिया भर के 48 देशों में फैले हुए हैं। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जीजीएन एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। पहले ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 2014 में यह फ्रांसीसी कानून के तहत अपना स्वयं का समूह बन गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारतीय तट रक्षक बल जलीय केंद्र
एक्वाटिक सेंटर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो एक्वाटिक सेंटर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो इसे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस सोसाइटी मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। ICGS की स्थापना हुई थी अगस्त 1978 में। तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल है जो खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के 5 क्षेत्रीय कमांडर सेंटर है। कौन कौन से उन्हें जान लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्रीय कमांडर सेंटर है वो है गांधीनगर, गुजरात में इसका मुख्यालय है। पश्चिम क्षेत्रीय कमांड सेंटर का जो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और पूर्व का है चेन्नई में मुख्यालय है। ईशान कोण जो क्षेत्रीय कमांड सेंटर है इसका मुख्यालय है कोलकाता में, और जो अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय कमांड सेंटर है इसका मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर में। मोटो क्या है इसका? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वी प्रोटेक्ट, और इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो जो लूपेक्स है तो ये इसरो और जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है, जिसमें जाक्सा लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि जो इसरो है ये लैंडर का योगदान देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 9 अप्रैल को पराक्रम दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल CRPF अपना 59वां शौर्य दिवस मना रहा है। CRPF भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है, और CRPF का जो शौर्य दिवस है 1965 में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले CRPF कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 को, और CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी, सर्विस एंड लॉयल्टी, और महानिदेशक हैं CRPF के अनीस दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है तीसरा। तो भारत का तीसरा स्थान है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। तो पहला स्थान है अमेरिका का 703 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरे में है चीन 340 यूनिकॉर्न, और तीसरा है भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह दिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन के सम्मान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। थीम क्या है? तो थीम रखी गई है इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं
उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, उसमें सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा जरधारी क्लासेस डॉट इन। इस वेबसाइट में आप पहुंचेंगे हमारे ई बुक स्टोर में और वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।